यूक्रेन में युद्ध से बदतर होते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्धग्रस्त देश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत चल रहे निकासी अभियान में भारतीय वायुसेना को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने वायुसेना को यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया है कि भारतीय वायुसेना मंगलवार से ही भारतीयों को निकालने के लिए कई C-17 विमान तैनात कर सकती है। लोगों को निकालने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के विमान मानवीय सहायता को अधिक कुशलता से देने में भी मदद करेंगे। अब तक केवल प्राइवेट इंडियन कैरियर रोमानिया और हंगरी से भारतीयों की निकासी कर रहे थे, क्योंकि यूक्रेनी हवाई क्षेत्र 24 फरवरी से बंद है। यूक्रेन के हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद भारत ने 26 फरवरी को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से अपने फंसे हुए लगभग 14,000 नागरिकों को निकालने का यह अभियान शुरू किया था। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सख्त एडवाइजरी जारी हुई है। एम्बेसी की ओर से जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र कीव को आज ही छोड़ दें। कहा गया है कि कीव छोड़ने के लिए जो साधन उनको मिले उसे तुरंत पकड़कर वे वहां से निकल लें। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से ये कहा गया है कि ट्रेन या जो भी यातायात का साधन मिले उसे पकड़कर लोग कीव से आज ही निकल जाएं। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर साफ किया है कि सभी भारतीय तत्काल प्रभाव से यूक्रेन की राजधानी कीव छोड़ दें। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों समेत सभी भारतीयों को देश वापस लाने के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को युद्धग्रस्त देश के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला किया था। सरकार ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह और किरण रिजिजू को यूक्रेन के पड़ोसी देशों हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, पोलैंड और स्लोवाकिया में भेजने का निर्णय लिया था। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 15 दिनों में अब तक यूक्रेन से 8,000 भारतीयों की वापसी हो चुकी है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।